सो है गाइस, आई होप कि आप सोच होंगे मस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा है हमारे प्रीमियम तो इस टाइप की अगर वीडियो आप भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। सो गाइस, यहाँ पर मेरी जो छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर वीडियो में, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, तो थोड़ा तो मोटिवेशन आपको देना बनता ही है। और यहाँ पर मेरे जो 1K सब्सक्राइबर फटाफट से आपको कंप्लीट करवा देने हैं, क्योंकि मैं आपको 1K का जो सेलिब्रेशन है उसका भी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, तो फटाफट से आपको मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा देने हैं। उसके बाद में आगे का बिना कोई वक्त हुआ है यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आ जाना है अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन में। देन यहाँ पे आपको सारा का सारा प्रोसेस इसी एप्लीकेशन से इस वीडियो को क्रिएट करना होगा। तो करना क्या है, सिंपली से अपने एप्लीकेशन को एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसका जो यहाँ पे जो इसका रेशियो होगा 9:16 होगा, और यहाँ पे रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको जितना चाहें उतना आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में फ्रेम रेट और बैकग्राउंड को आप ब्लैक ही रख सकते हैं। उसके बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है प्लस का आइकन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एंड मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये वाली जो इमेज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि 7 फरवरी को रोज डे है, तो इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इमेज का ट्यूटोरियल लाया जाए कि हमारा जो वीडियो है उसका बनाने का पर्पस भी आपको समझ में आए कि वीडियो कैसे बनाते हैं, और जो भी भाई इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, और इसे मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी डाल सकता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आपको करने का कुछ इस प्रकार से अपनी इमेज को ऐड करना है। एंड यहाँ पे आपको टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट का ऑप्शन मिला होगा तो क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कैसे क्लिक करते हैं आपकी फुल डिस्प्ले में या फिर फुल फ्रेम में ऐड हो जाती है इमेज। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो लेना होगा, तो करना क्या है, सिंपल से आपको इधर से बैक आना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो भी आपका ट्रेंडिंग ऑडियो है उसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज कर लेना है, तो मैं कुछ इस प्रकार से इस ऑडियो को यहाँ पे यूज कर लिया हूँ। उसके बाद में ऑडियो पे यहाँ पे आपको इस जो यहाँ पे आपने वीडियो को ऐड किया उसी पे आपको क्लिक करना है। एंड टॉप कॉर्नर पे आपके 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा हो, क्लिक करना है। उसके बाद में देन यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक कर देना है। इतना करेंगे तो आपका जो ऑडियो है बाहर जाता है, वीडियो को यहाँ पे आपको ऐड करना है इस प्रकार से। उसके बाद में डिलीट कर देना है, ये जो ऑडियो यहाँ पे लग गया है प्रॉपर तरीके से। करना क्या होगा, यहाँ पे आपको ये जो इमेज आपने ऐड की है इसे यहाँ पर आपको फुल वीडियो में ऐड कर देना है, फुल म्यूजिक पर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद में इस इमेज पे क्लिक करना है, एंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है दोस्तों, गॉसियन ब्लर। तो यहाँ पे आपको जी ऐसे फिल करेंगे तो आपको फर्स्ट में ही गॉसियन ब्लर आपको देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। एंड इससे आप जितना चाहें उतना ब्लर यहाँ से आप रख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में इधर से आपको सीधे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से आपको इसी इमेज को यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, तो देन प्लस पे क्लिक करना है, एंड मीडिया पे क्लिक करना है। जो इमेज आपने फर्स्ट में ऐड की उसी को यहाँ पे आपको यूज करना है कुछ इस प्रकार से। तो मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसे ऐड कर दिया है। देन यहाँ पे आपको इस इमेज को यहाँ पे आपको फुल वीडियो में इस प्रकार से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल यहाँ पे आपको ये सेकंड वाला मिला इसे आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, यूज कर लेना है कुछ इस प्रकार से आपको इसे, इतना यहाँ पे आपको इस प्रकार से यूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसे फुल वीडियो में इस प्रकार से आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इस इमेज पे क्लिक करना है इस प्रकार से। यहाँ पे आपको इस वाले एडिट ग्रुप पे यहाँ पे आपको ग्रुप एंड मार्क्स पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको करने का होगा, तो यहाँ पे आपको एडिट ग्रुप पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस पर जो रेडियस है रेडियस को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे कर लेना है, कुछ इतना आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद में इधर से आपको बैक आना है, एंड यहाँ पे आपको इस इमेज पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको इस इमेज को एडजस्टमेंट कर लेना है अच्छे से, तो यहाँ पे आपको मूव और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर लेना है, एंड यहाँ पे आपको जूम आउट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको यहाँ पर रख देना है, एंड यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ऊपर भी कर लेना है। उसके बाद में इधर से आपको बैक आना है, एंड यहाँ पे आपका जो यहाँ पे रेक्टेंगल है अभी अच्छे से यहाँ पे ऐड हो चुका है, और यहाँ पे जो इमेज है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो चुकी है। एंड यहाँ पे आपको इस पर बैक आना है, एंड यहाँ पे आपको ग्रुप एंड मार्क्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसे कुछ इस प्रकार से आप इस साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका जो फेदर होगा साइड में जो ब्लैक कलर का, ये यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे दिखने लग जाता है। एंड यहाँ पे पोजीशन को यहाँ पे आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल से मैं इसे
सेंटर में ही रखने वाला हूँ। इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने ग्रुप एंड मार्क्स पे, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना है। इतना करेंगे तो ये जो आपका लेयर है डुप्लीकेट हो जाता है। उसके बाद में सीरियसली आपको यहाँ पर करना क्या होगा, कुछ इस प्रकार का जो आपको नीचे का लेयर था उसे आपको यहाँ पर मूव करना है। करना क्या होगा, सो गाइस यहाँ पे आपको जिस तरह आपको ये वाले ग्रुप पे मैं क्लिक किया हूँ, उसके बाद में यहाँ पे आपको एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ये जो आपका रेक्टेंगल है उसे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मूव करना है। तो करने क्या होगा, मोर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको रोटेट पे क्लिक करना है। 45 डिग्री के राउंड अबाउट यहाँ पे आपको इसे सेट कर देना है। तो मैं कुछ इस प्रकार से 45 डिग्री रख दिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको इधर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे जो आपका इमेज है प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो यहाँ पे करने का बैक करना है, इमेज पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको मोर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जूम सॉरी यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इतना यहाँ पे आपको इस प्रकार से सेट कर देना है, एंड जूम आउट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस पर जूम को इंक्रीज कर देना है, कुछ इतना आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। ये जो आपका यहाँ पर रेक्टेंगल है अच्छे से यहाँ पे ये वाला जो लेयर है अच्छे से सेट हो चुका, इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से क्लिक करना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दोनों को यहाँ पे आपको नीचे इस प्रकार से कर देना है। इतना करने के बाद में यहाँ पे आपको इधर से इस प्रकार से आपको छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको करने को नीचे आपको पीएनजी को यहाँ पे इमोजी ऐड करना है। तो करने का उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको चाहे फिर आपके पास पीएनजी हो तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे मैंने पहले से ही ऑलरेडी पीएनजी को कन्वर्ट करके रखा हूँ। तो यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार के यहाँ पे पीएनजी को ऐड कर दिया हूँ कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको करना होगा कुछ इस प्रकार से, आपको यहाँ पे मूव ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे जूम आउट पे क्लिक करना है, इससे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से छोटा कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से खींचकर यहाँ पे आपको इस प्रकार से सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पे आपको इस लेयर को फुल वीडियो में ऐड करना है। तो करना क्या है, सिंपली से आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले पोजीशन पे आ जाना है। उसके बाद में इस पीएनजी पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको लास्ट में चले जाना है, एंड यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये जो आपका पीएनजी है फुल वीडियो में ऐड हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना है पीएनजी पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको डुप्लीकेट लेयर कर देना है। यहाँ पे आपको करना होगा डुप्लीकेट लेयर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे मोन ट्रांसफॉर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको सेट कर देना है। इस पर अगर साइडो यूज करना चाहते हैं तो साइडो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो करना क्या है, सिंपल से आपको यहाँ पे इस वाले नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको साइडो इस प्रकार से ओपन कर देना है। तो जितना चाहें उतना आप यहाँ से रख सकते हैं। मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको जो लेयर पे आपने नहीं किया उस पर भी आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अप्लाई कर देना है। एंड यहाँ पे आपको इस प्रकार से हर एक पीएनजी यहाँ पे चारों कोनों पे ऐड करना है। तो करने का सिंपली से आपको उसी तरीके से यहाँ पे आपको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली से करने का इधर से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे लिखना है अपनी आईडी का नेम। उसके बाद में ऊपर में आपको लिखना है। तो फर्स्ट में पहले आप जो ऊपर में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो लिखना क्या है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको बड़ा कैपिटल लेटर में यहाँ पे आपको एल लेना है, एंड यहाँ पे आपको लव लिख देना है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फॉन्ट को यूज करना है, तो कुछ इस प्रकार का आपको फॉन्ट को अप्लाई कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको इसका कलर को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको व्हाइट इस प्रकार से कर देना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो 18 bit पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसका कलर को इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसके फर्स्ट में आना है, और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से डॉट एंड यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे सेट कर देना है, एंड यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। इससे आपको यहाँ पे जूम आउट करना है, उसकी इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसे बड़ा कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली से इस
फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आना एंड यहाँ पे आपको बीचों बीच में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपको करने का वो सिंपली से आपको यहाँ पे फुल वीडियो में इस प्रकार से ऐड कर देना है एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट में आना है एंड यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इमोजी को ऐड करना है, देन यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो आपकी इमोजी जहाँ पर उन्हें आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मोर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर ले जाना है एंड ले जाने के बाद जूम आउट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको इस प्रकार जो जूम है इसे कुछ इस प्रकार से कम कर देना है एंड यहाँ पे आपको फिर से इस प्रकार से आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। इतना आपको यहाँ पे कर लेना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इस पर साइडो देना है तो एंड यहाँ पे आपको बॉर्डर एंड सेंटर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है, इसे आपको यहाँ पे अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको इस पीएनजी जो कुछ इस प्रकार से इस पर साइडो यूज हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे वो जो आपने टेक्स्ट लिखे थे पहले तो इसे आपको यहाँ पे फुल वीडियो में अप्लाई कर देना है एंड उसके बाद में ये जो यहाँ पे लिखे हैं उस पर आपको बॉर्डर एंड सेंटर देना है तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से अप्लाई कर देना है एंड यहाँ पे आपको अनेबल कर देना है। देन यहाँ पे जो आपका वीडियो है बन के रेडी हो गया है। बट यहाँ पे आपको अपनी चैनल का नेम या अपनी आईडी का नेम यहाँ पे आपको दे देना है। तो सो गाइस यहाँ पे आपको करने के वो प्लस पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार की पीएनजी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको इसे अप्लाई कर देना है एंड इसे आपको यहाँ पर ऐड कर देना है एंड यहाँ पे आपको फुल वीडियो में इसे अप्लाई कर देना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको फिर से टेक्स्ट पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपनी आईडी का नेम, अपने अकाउंट का नेम, यूट्यूब चैनल का नेम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक रेक्टेंगल यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फुल वीडियो में आपको यहाँ पे इस प्रकार से फुल वीडियो में फुल फ्रेम में ऐड करना है एंड यहाँ पे आपको लास्ट में एंड फुल वीडियो में फिर से ऐड कर देना है। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है CO, यहाँ पे आपको इतना लिखना है एंड यहाँ पे आपको कॉपी बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे क्लिक करना है। एक्सटेंड सेटिंग पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको इसका जो सेटिंग है इसे आपको इतना ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली से रेक्टेंगल पे क्लिक करना है एंड एड डिफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सर्च बार पे लिखना है सिम। इतना यहाँ पे सिंपल स्टार फील्ड यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको एस लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको ये इफेक्ट आपको नजर आएगा तो यहाँ पे क्लिक करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है इफेक्ट पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक की आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है एंड वीडियो के लास्ट में चले जाना है और यहाँ पे आपको एक की अप्लाई कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपल से कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे बढ़ा देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आ जाना इस वाले ऑप्शन पे, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है और कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्केल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको इसे कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है एंड यहाँ पे आपको साइज को छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे कर लिया हूँ। उसके बाद में फेदर को यहाँ से आपको इंक्रीज कुछ इस प्रकार से कर देना है एंड यहाँ पे जो आपका सेटिंग है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक बार प्ले करके इस वीडियो को दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस आपका जो वीडियो है प्रॉपर तरीके से बन के रेडी हो गया है। सो गाइस यहाँ पे करने को इधर से आपको बैक आना है, देन उसके बाद में आपको टॉप कॉर्नर पे आपको ये मिला होगा एरो का ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपकी जो वीडियो से यहाँ पे एक्सपोर्ट होने के ऑप्शन पे चली जाएगी। तो देन यहाँ पे करने को हमारी जो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, एक सा कमेंट भी कर देना और इसका जो मटेरियल है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा, जाके आपको ले लेना है। आपके आपको करने का वो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो आपकी वीडियोस एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। सो गाइस ऐसी ही ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।